नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि सोमवार के दिन हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो सोने चांदी में देख रहे हैं कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भी सुस्ती के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। सोने चांदी की कीमतों में एक नरमी के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। देख रहे हैं कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार के दिन जो कीमतें देखने को मिली थी, सोने चांदी का जो बाजार है उससे अब थोड़ा और नीचे फिसलता नजर आया है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर गोल्ड इस समय $1919 पर ट्रेड कर रहा है, वहीं सिल्वर भी $24.6 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। घरेलू वायदे की बात करें तो MCX पर जो सिल्वर है, MCX सिल्वर 66,000 यानी 66,590 पर ट्रेड करती नजर आ रही है, और जो गोल्ड है MCX पर वो 51,000 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। MCX गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में भी एक नरमी वाले रुझान के साथ ट्रेड दर्ज किया जा रहा है। आपको बता दें कि डॉलर में जो तेजी बनी है उसके चलते, डॉलर में आई तेजी के चलते ये जो गोल्ड सिल्वर की जो प्राइसेस हैं उनके ऊपर एक दबाव बनता नजर आया है। वहीं दूसरा US ट्रेजरी यील्ड्स के ऊपर भी जो तेजी देखने को मिली है उसका असर भी कहीं ना कहीं सोने चांदी की कीमतों के ऊपर देखने को मिला है, और सोने चांदी की जो कीमतें हैं वो एक नरमी के साथ कारोबार करती नजर आ रही हैं। सोने चांदी की कीमतों में अभी ये जो नरमी वाला माहौल है, जो उठापटक वाला माहौल है, ये तब तक जारी रहेगा जब तक ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें कुछ निर्णय निकल के नहीं आ जाता है कि युद्ध आगे कंटिन्यूस ही रहेगा या फिर कहीं रुकने की भी संभावना है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीच बीच में पीस टॉक्स तो होती हैं दोनों देशों के बीच, युद्ध रोकने के लिए बात तो होती है कहीं ना कहीं, लेकिन एक फाइनल डिसीजन नहीं आ पाता है कि युद्ध अभी जारी रहेगा या फिर रुक जाएगा। इसलिए जो मार्केट है वो हाई वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेड करती नज़र आती रहती है। सोने चांदी की कीमतों में भी इसी का ही इम्पैक्ट हमने आते हुए देखा है। और दूसरा, जब रशिया यूक्रेन की पहले शुरुआत स्टार्टिंग में लड़ाई शुरू हुई थी 24 फरवरी के आसपास, तब हमने देखा था कि जो स्टॉक मार्केट थी वो ज़्यादा नीचे गिर गई थी। लेकिन अब देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट भी खुल चुकी है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग भी हो रही है, तो जो सेफ हेवन डिमांड थी सोने चांदी की वो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट के फिर से खुलने से, फिर से ट्रेड होने से जो सेफ हेवन डिमांड थी वो कहीं ना कहीं उस ओर शिफ्ट हो गई है। इसका असर भी सोने चांदी की कीमतों पर पड़ता नज़र आया है, क्योंकि जो पहले जितने भी इन्वेस्टर्स थे, जितने भी निवेशक थे, जो अब पहले इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते थे, उन्होंने युद्ध शुरू होने के बाद गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे युद्ध धीरे धीरे थोड़ा कम होता गया, बीच में पीस टॉक्स होती गई, अलग अलग देशों के बयान आते गए, रूस पर प्रतिबंध लगता गया और भी बहुत सारी चीज़ें होती गई, तो उसकी वजह से जो सोने चांदी की जो कीमतें हैं, जो इन्वेस्टिंग है उसके ऊपर वो थोड़ी कम होती गई। तो आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोने चांदी में क्या रणनीति बनाए, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एमसी पर। देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर की जो कीमतें हैं वो आज भी नरमी के साथ ट्रेड होती नजर आ रही हैं, आपको क्या लगता है ये जो सोने चांदी में जो कीमतें हैं नरमी वाली, ये कब तक रहेंगी और सोने चांदी में तेजी कब देखने को मिल सकती है? देखिए, अभी सेफ हेवन डिमांड जो है वो कम होती हुई दिखाई दी है इन स्तरों पर, जिसकी वजह से सोने और चांदी में लगातार प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी सारे फैक्टर्स हैं जो अहम रोल प्ले करते दिखाई दे रहे हैं। डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिली है, जिसकी वजह से सोना जो है वो डाउनसाइड में आता हुआ दिखाई दिया है। और वहीं देखा जाए तो अभी फिलहाल सेंटिमेंट काफी कमजोर हुआ है, जिसकी वजह से प्रेशर है। रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें भी कुछ जगहों पर रूस की तरफ से सेंटिमेंट कमजोर देखने को मिला है, जिसकी वजह से सोने के अंदर गिरावट आती हुई दिखाई दी है। वहीं US के फेड ब्याज दरों में भी क्लियर कर दिया गया है कि आगे 50 बेसिस पॉइंट पर बढ़ोतरी हो सकती है। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं, आगे चलकर इन पर भी नजर रखनी होगी और ये काफी अहम रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। अमेरिकी डाटा भी आने वाला है और ये सब फैक्टर्स के चलते आगे सोने की चाल तय होगी। लेकिन फिलहाल के लिए बाजार एक सीमित दायरे में और अभी भी प्रेशर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड अभी फिलहाल निकलती दिखाई नहीं दे रही है और सोना अभी 1900 से लेकर $1880 तक नीचे में ट्रेड कर सकता है और ऊपर में $1940 तक। तो यानी कि एक सीमित दायरा अभी फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। आज इंट्राडे में 51,200 तक डोमेस्टिक मार्केट में जा सकता है।
वहीं चांदी की बात करें तो चांदी भी नीचे में 66,200 से लेकर ऊपर में 67,200 की रेंज में कारोबार करती दिखाई दे सकती है जी। ये सर रूपा जी, बात करें अगर अब क्रूड ऑयल की, तो WTI तो देख रहे हैं कि $100 के नीचे लुढ़क चुका है और ब्रेंट क्रूड भी देख रहे हैं $104 पर है। ऐसे में आपको क्या लगता है, ये जो कच्चे तेल में अब धीरे धीरे करके कीमतें घट रही हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, युद्ध जारी रहने के बावजूद भी, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या आगे जाके कच्चे तेल में और नरमी संभव है? क्या इसका जो असर है इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के नीचे आने का, तो क्या हम डोमेस्टिक मार्केट पर भी देखने को मिल सकता है इसका असर? देखिए, क्रूड के नीचे आने का सबसे बड़ा कारण यही है कि अमेरिका की तरफ से ये बयान दिया गया है कि क्रूड के रिजर्व रिलीज किए जाएंगे, और ऐसा बहुत रेयर होता है कि जब अमेरिका अपने रिजर्व में से क्रूड निकालता है, और अभी फिलहाल क्रूड में इतनी जबरदस्त तेजी है जिसके चलते अमेरिका की तरफ से ये बयान दिया गया है, और उसकी वजह से देखने को मिल रहा है कि प्रेशर देखने बनता हुआ दिखाई दिया है। अमेरिका का क्या है कि जो प्लानिंग है वो ये है कि 6 महीनों के लिए प्रतिदिन 10 लाख बैरल तेल रिलीज उसके रिजर्व में से किया जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो कीमतों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बना रह सकता है। वहीं ओपेक प्लस देशों की बैठक भी गुरुवार को होनी है, और वहां से देखेंगे कि अब किस तरीके का अपडेट निकल कर आता है कि सप्लाई को बढ़ाया जाता है, उससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स आएंगे, तो फिर कीमतों के ऊपर डबल जो है वो प्रेशर आता हुआ दिखाई दे सकता है। और वहीं अभी चाइना में जिस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है उससे डिमांड फैक्टर भी इम्पैक्ट होता हुआ नजर आया है। तो अभी फिलहाल जो चारों तरफ सेंटिमेंट क्रूड का बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा वीक हो गया है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि क्रूड $100 के नीचे लुढ़क चुका है। अब यहाँ से लगता है कि एक बार $100 के नीचे जो लुढ़का है $90 के आसपास सस्टेन हो सकता है। $90 से लेकर $92 फिलहाल नीचे की रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है। और यही डोमेस्टिक मार्केट में बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में भी 7300 तक नीचे, 7200 से लेकर 7300 तक नीचे जा सकता है जी। ये सिर्फ जी, बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में आपको क्या लगता है, क्या बेस मेटल्स में अभी भी बढ़त बाकी है? जिस हिसाब से देख रहे हैं कॉपर में लॉकडाउन लगा है, डिमांड कम हुई है, वहीं से देख रहे हैं इन्वेंट्रीज में भी कुछ कमी है, तो क्या इसी बीच एक तरफ से कंजप्शन कम होना, दूसरी तरफ से इसकी इन्वेंट्रीज कम होना, एक कीमतों को घटाने के लिए दूसरा कीमतों को बढ़ाने के लिए, दो फैक्टर्स मेन है यहाँ पे, तो इन दोनों के मद्देनजर आपको क्या लगता है बेस मेटल्स में आज कैसा कारोबार रह सकता है? देखिए, बेस मेटल्स में अखिलेश पॉजिटिव है अभी भी रुझान, और आप देखिए जिंक अच्छा परफॉर्म करता हुआ आप दिखाई दे रहा है, कॉपर तो वही रेंज में कारोबार कर रहा है, एल्यूमिनियम भी 280 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा तेजी जो बनती दिखाई दे रही है वो जिंक है। जिंक देखिए आज भी अपसाइड मोमेंटम है और 358 तक पहुंच चुका है। अब यहाँ से 360 के ऊपर अगर चलता है जिंक, तो ऊपर में आप मान के चलिए 368 से 372 तक का स्तर जिंक में अभी भी देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है, अभी भी बेस मेटल्स में थोड़ा बहुत करेक्शन अगर आए तो वहां पर बाइंग की ही रणनीति होनी चाहिए। कॉपर भी अभी मुझे पॉजिटिव लग रहा है, ऊपर में 840 तक एक बार जा सकता है जी। रूपा जी, टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी आप नॉन एग्री कमोडिटीज में? देखिए, नॉन एग्री कमोडिटीज में आज सोने चांदी में बिकवाली की जा सकती है, और वहीं कच्चे तेल में भी आज बिकवाली करके चल सकते हैं जी। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की,